हमने बहुत बात की कि मिसबाह अल हक की डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, बट ऑफकोर्स आई थिंक आई रियली लाइक व्हाट सिकंदर सेड कि हम लोग एटलीस्ट 3 सीरीज तक वेट करते हैं. जब वो हो जाएगा फिर ज़रा एनालिसिस करेंगे तो मज़ा भी आएगा. मगर बटी साहब थोड़ा सा आप हमने जितने भी लोग हमने देख रहे हैं थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें डिटेल्स में कि मिसबाह का क्या पैकेज होगा एंड उनके जो इख्तियार हैं वो भी थोड़ा हमें एलैबोरेट करके बताते हैं. लेकिन ऑनेस्टली बताओ मुझे उनकी मराद से कोई नहीं है. हाँ, वो exactly. जितना मिले उन्हें अल्लाह उनको दे. इंटरेस्ट होता है इख्तियारात से दूर है. अच्छा चले ठीक है चले आप दोनों हम दोनों पूछ रहे हैं. मराद और इख्तियारात दोनों पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना किसी पाकिस्तानी कोच को इतनी बड़ी सैलरी इससे पहले मिली. इख्तियारात भी जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट पावर्स हैं उनके पास, इतने इख्तियारात भी नहीं है. अगर उनको टैक्स को शामिल कर लें तो तकरीबन कोई 30 लाख रुपए उनकी सैलरी, अगर टैक्स के बगैर जो टेक होम है 28 लाख रुपए सैलरी है, ये वो सैलरी है जो मिकी आर्थर ले रहे थे जो साउथ अफ्रीका से आए थे. आपको कैसे पता चलता है? आप आपने बताया नहीं, पड़ोसन की तरह बैठे हुए थे देख रहे हैं. जर्नलिस्ट आप, क्या बात है इनकी, मान गए. अच्छा फिर अब आप पावर्स की बात कर रही हैं. हेड कोच चीफ सेलेक्टर सुना के बैटिंग कोच भी वो होंगे. फिर मिसबाह उल हक के लिए एक और लॉ चेंज किया गया जो बार बार हम कई सालों से कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मिकी आर्थर को तो कहते थे कि भाई कराची किंग्स की पीएसएल में कोचिंग नहीं करेंगे. मिसबाह उल हक को कहा गया इसको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, पाकिस्तान ने नेक्स्ट ईयर एशिया कप T20 खेलना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है 2021 में, फिर T20 वर्ल्ड कप खेलना है, इसलिए उसको पीएसएल की कोचिंग की भी इजाज़त दे दी है. तो मतलब मिसबाह उल हक वो कहते हैं अलादीन का चिराग जो रगड़ा वो उसको मिल गया. गिदर सिंह की आ गई इनके हाथ. अब इतनी पावर्स और इतनी मराद के साथ जब एक बंदा आ गया पाकिस्तान क्रिकेट में, हमें बिल्कुल कोई एतराज नहीं है. जितने मराद दे दें, जितने इख्तियार दे दें, एंड ऑफ द डे कॉम और हम सब रिजल्ट मांगते हैं कि अपनी जो उनकी सलाहियत है क्या वो सीट के दूसरी तरफ जाके वो डिलीवर कर सकेंगे जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं. ठीक है, आई थिंक फेयर इनफ. और इख्तियारात की बात कर रहे हैं तो मिसबाह उल हक ने कल क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि कैप्टन के कितने पावर्स होंगे या उनके क्या राइट्स होंगे, तरफ उस पर हम लोग उनकी बात सुन लेते हैं. उनका स्टांस क्या है? एज ए कोच या इवन चीफ सेलेक्टर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देते हैं, लेकिन क्योंकि जो ऑपरेट करने वाला बंदा है अंदर, उसको जिस प्लेइंग 11 पे या जिस बंदे पे कॉन्फिडेंस होगा वो मेरे ख्याल में उसको मिलना चाहिए. राइट, सो याया जो कप्तान को अगर किसी प्लेयर पे कॉन्फिडेंस है कि ये इनके लिए कर सकता है कुछ, और ये बात होगी जब मिसबाह सरफराज बैठेंगे तो आपको लगता है कि मिसबाह अकोमोडेट करेंगे बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज सेइंग? मुझे ऐसा लगता है फातिमा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक पर्चा है. वो जो इम्तिहान के दौरान कुछ तालिब इल्म जिन कम में तालिब इल्म जिनको आप कहते हैं कि नकल करते हैं ना, वो एक पर्चा वो रटाया जाता है. ये जो मिसबाह उल हक कह रहे थे ना कि चीफ सेलेक्टर की हैसियत से, कोच की हैसियत से एब्सोल्यूट पावर हमको कप्तान को शिफ्ट करनी होती है, क्योंकि रोप के अंदर कप्तान चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होता है. April 2016 में जब इंजमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा बने थे, यही लाइंस उन्होंने भी कही थी सरफराज के बारे में कि मैं जब कप्तान था तो मैं अपनी बातें मनवाता था, तो अब मैं चीफ सेलेक्टर बना हूं, मैं कुर्सी के इस तरफ आया हूं तो मैं सरफराज को जो है पावर दूंगा. और 2019 वर्ल्ड कप इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी. तो मेरे लिए ये सिर्फ एक फ़नी बात है और किसी लतीफ़े से कम नहीं है. फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप ऑल्टो के ड्राइवर को अगर फरारी में बिठा देंगे तो वो आप अंदाज़ा कर लें कि फरारी ऑल्टो बन जाएगी. तो इस वक्त आप मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच तो बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप बात अभी खुद कर रही थी थोड़ी देर पहले कि आपके पास भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स मौजूद हैं. स्टीव वॉ जो है अंडर जस्टन लैंगर काम कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जस्टन लैंगर चीज़ों को समझते हैं, जस्टन लैंगर चीज़ों को ड्राइव करते हैं. जस्टन लैंगर जो 6 टीमें थी शेफील्ड शील्ड की, उनमें कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे, और चूंकि रिकी पॉन्ट स्टीव वॉ घर पर बैठे हुए थे इसीलिए उन्होंने उनको एज ए मेंटोर बुलाया. इवन रिकी पॉन्टिंग उनसे बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी परफॉर्मेंस जस्टन लैंगर से ज्यादा. वर्ल्ड कप जीते दो तो जीते 99 का वर्ल्ड कप जीते वो तीन जीते ठीक है ना. नहीं, उस 2007 का वर्ल्ड कप तो वो जीते थे, रिकी पॉन्टिंग जीते थे. 2003 का वर्ल्ड कप भी जो है वो रिकी पॉन्टिंग जीते थे. 99 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर आया, इसको कहते हैं सिस्टम. क्रेग मैकडरमॉट का आपने नाम सुना है, आपने तो सुना होगा, आपने कभी देखा कि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में आपको कहीं नजर आए? बहुत ही शॉर्ट
टाइम के लिए वो नजर आए थे। ग्लेन मैकग्रा क्रिकेट छोड़ दिया उन्होंने, उनसे कोई बड़ा प्लेयर है वो आया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में कोचिंग करने के लिए? शेन वॉन दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर है, आपको लगा कि वो आया? ऐसा क्या इधर शहद की नदियां बह रही हैं कि वकारी नुस घूमते हैं फिर इधर दरवाजे से आ जाते हैं? वो तो कह रहे थे कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वो तो ऐसी तैसी करके गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान क्रिकेट में ये खराबी है, पाकिस्तान के लड़के अच्छे नहीं है, पाकिस्तान का निजाम अच्छा नहीं है। अब उनको फिर यही सारी चीजें अच्छी नजर आ रही है। तो बात दरअसल फातिमा, बात दरअसल ये है कि राशिद लतीफ बड़ा खुलकर बात करते हैं ना, राशिद लतीफ अभी ये जो छह टीमें बनी हैं इन टीमों में जो मजाक हुआ है राशिद लतीफ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वो बात करूं जो बंदा करे। राशिद लतीफ की ईमेल जो आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके अंदर जो लाइंस लिखी हुई है, जो राशिद लतीफ कॉमेंट कर रहे हैं, 3 साल के परफॉर्मेंस पे हमने लड़कों का इंतखाब किया है। 3 साल की परफॉर्मेंस की आप बात करें, 2007 से एक लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, और 2007 से एज ए बैट्समैन खेलने वाले उस लड़के ने सिर्फ 750 किए सिकंदर बख्त साहब, 100 नहीं किए उस लड़के ने, ठीक है? उसका नाम क्या आखिर में आता है? तरीन, ठीक है जी। अच्छा। और वो सिलेक्ट हो गया है टीम के अंदर। फिर आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग होने हम जा रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये मिसालें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रोफेशनलिज्म का ये तरीकाकार है। तौसीफ अहमद जिनको आपने सिलेक्शन कमेटी की कुर्सी से धक्का दिया, आपने उनको सेकेंड टीम का जो है कोच बना दिया है। आपने राशिद खान जो कि कोचिंग कर रहे थे चाइना के अंदर और आज तक चाइना की क्रिकेट टीम का हमको पता नहीं है, उनको सिंध की टीम का जो है मैनेजर बना दिया है। ही इज नाउ 59। तौसीफ अहमद रिटायर हो चुके हैं, उनको फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप लेकर आ गए। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के तकाजों से हम मांग करने के लिए हम उन लोगों को इन 6 टीमों में लेकर आए। देखें प्रोफेशनलिज्म की बात है ना, आप ये फॉर्मूला लेकर आए ना कि जी बेस्ट लोगों को आगे लेकर आएंगे, क्वालिटी बेहतर करेंगे, तो फिर ये जो 6 टीमों में इवन कोचिंग स्टाफ भी सिकंदर बख्त साहब मौजूद है, तो वो लोग होने चाहिए जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं। तौसीफ अहमद आपको लगता है आएंगे? आपको लगता है राशिद खान पाकिस्तान टीम के मुस्तकबिल में मैनेजर बनेंगे? फिर आपने क्रिकेट ये जो कमेटी बनाई 5 रुकनी कमेटी बनाई, उसमें बाजीद खान थे। बाजीद खान खड़े हो गए जब मोहसिन हसन खान गए, उन्होंने कहा सर मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि आप आए हैं, वो मैं अब क्या करूँ, माजरत चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आप आए हैं तो मैं आपको खड़े रह के जो है सलाम पेश करना चाहता हूँ। अब बाजीद खान मुझे बताएं कभी कोचिंग की बाजीद खान ने? बाजीद खान पाकिस्तान टीम के कोच का इंतखाब कर रहे हैं, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। प्रोफेशनलिज्म की आप बात कर रही हैं, आप एडॉप्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, एमडी को आप इंग्लैंड से लेकर आए हैं, और आप मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट का। भाई आप मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। सही है, ठीक है। आलिया क्या लग रहा है आपको, मजाक हो रहा है या जिस तरह आप कह रही थी गैम्बल, यू वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट यहया इज सेइंग? अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं बिल्कुल मेरी बात जो है वो कट जाती है हमेशा। वो ये फातिमा देखें कि बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग भी तो बगैर क्रिकेट इंटरनेशनल खेले हुए क्रिकेट पर बात कर रहे हैं ना। तो एक क्रिकेटर जिसने टेस्ट एक मिनट मैं आलिया यहाँ पर आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, एब्सोल्युटली सॉरी के साथ मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा आलिया कि हम लोग बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये बात मोहम्मद यूसुफ के साथ अब्दुल रजाक के साथ भी हो चुकी है आलिया। आलिया हमारा काम क्रिकेट खेलना नहीं है, हमारा काम चीजों को डिस्क्राइब करना है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो बैट्समैन गलत खेलता, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो बॉलर गलत गेंद करता। देखिए मैं यही कह रही हूँ कि मैंने आराम से इनकी बात सुन ली, अब ये मेरी आराम से बात सुन लें। हम मैं ये कह रही हूँ कि जो इन्होंने सवाल रेज किया है या एतराज उठाया है बाजीद खान पे, पॉइंट ये है कि वो तो क्रिकेटर है ना, उनको तो क्रिकेट की नॉलेज है, समझ है, और समझ का क्रिकेट के गेम की अंडरस्टैंडिंग का किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे नौजवानों से मिली हूँ जिनको क्रीज का इस्तेमाल तक नहीं आता था, यानी मैं एज ए जर्नलिस्ट जानती थी और उनको नहीं पता होता था। तो ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर उन्होंने मोहसिन खान का इंटरव्यू कर लिया कुछ तो देखा होगा तो उनको शामिल किया होगा ना। मेरा हर बात पे हमें एतराज नहीं मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखें बात हो रही है कि जी उनके कोचेज, हम क्या चाहते हैं असल में, हमें तय कर लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमारे पास अभी मिक्की था तब भी हम क्रिटिसाइज करते थे, हम रिजल्ट चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम एक ब्रांड बन के आगे जाए और टेस्ट में भी अच्छा करे, वनडे भी जीते, और वो इस तरह से खेल के और इस तरह लॉकडाउन होके ना आए जिस तरह वो वर्ल्ड कप से होके आई है। अब आप दूसरे कोचेस की अगर बात कर लें तो 2013-14 में मोइन खान हमारे कोच रहे हैं और एज कोच उनके अंडर हम एशिया कप नहीं जीते, श्रीलंका से श्रीलंका में 2-1 से हारे, ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हारे, न्यूजीलैंड से 2-0 हारे, यूएई में न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड में हारे, वर्ल्ड कप के दौरान कॉन्ट्रोवर्सी रही। तो हम हर एक को चांस तो दे रहे हैं लेकिन हम क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पहले हमें ये अपना खुद माइंड क्लियर करना चाहिए कि क्या हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट आगे की तरफ जाए। तो हमें अपनी राय देने का पूरा हक है क्योंकि ये हमारी जॉब है,
ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, सिर्फ ये नहीं कि उनके इतने पैसे हैं और इतने ज्यादा हैं, भाई वो जो मर्जी कमाए जो मर्जी करें, हमें रिजल्ट दें, वो मिकी आर्थर हो या मिसबाउल हक हो। हाँ, हम इस बात पे इख्तलाफ करते हैं, मैंने आपसे कल भी कहा था कि एक आदमी को ये दोनों बहुत बड़ी पोस्ट देना जो है ये एक तो अक्लमंदी नहीं है, दूसरा जो कंट्राडिक्शन है वो उनका अपना है पीसीबी का, पीसीबी ने खुद कमजोरी दिखाई है, पीसीबी को मिसबाउल हक की लगता है ज्यादा जरूरत है, मिसबाउल को शायद जॉब की इतनी जरूरत नहीं थी जितना पीसीबी उनके पीछे पड़ा रहा है, जो मुझे अंदाजा हो रहा है, वरना आप कैसे उनको पीएसएल में इजाजत दे सकते थे जब हम खुद ये कहते रहे और वो भी खुद कहते रहे। 30 लाख रुपए की जॉब इस मुल्क में कहां मिलती है आसानी से? हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर इस बात को खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी आधी जो क्रिकेट की मेरा ख्याल है जो हमारी प्रोफेशनल्स हैं वो तो पीएसएल में भी इन्वॉल्व हैं, तो ये बहस का तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। पॉइंट ये है कि डिसऑनेस्ट जो है, इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि डिसऑनेस्ट तो कप्तान भी खेलता है किसी पीएसएल की टीम से, वो भी हो सकता है सिलेक्शन के वक्त, तो मेरा ख्याल है कि इसको जज आपको उसकी सिलेक्शन के ऊपर करना पड़ेगा। एक वाहिद नासूर हमारे मुल्क में हमारी सिलेक्शन है, वो चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो हेड कोच किसी को फेवरेट बना के कर रहा हो या नापसंदीदा करके रिजेक्ट कर रहा हो, जैसे जैसे वहाब रियाज की मिसाल है, आपने टेस्ट के बाद इतना आउट राइटली मिकी ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद आपको वर्ल्ड कप में खिलाना पड़ा, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आमिर शामिल नहीं था वर्ल्ड कप की टीम में और उसके बाद फिर वो आते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये संजीदगी से इसको देखने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, जैसे याया ने मिसबा को कोट किया तो मैं भी ये सुन रही थी और मेरा तो ख्याल है कि इस बात से मैं बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ कि अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें तो गुप्टल और मनरो दोनों जो सबसे एग्रेसिव प्लेयर हैं वो थ्रू आउट फेलियर रहे हैं वर्ल्ड कप में, और किसने जिताया है? उन लोगों ने जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, विलियमसन ने, टेलर ने, ये वो लोग हैं जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। प्रॉपर क्रिकेट को हमें इंकरेज करना है, इसका मतलब टुक टुक नहीं है, इसका ये परसेप्शन हम बनाते हैं, हम देखें पब्लिक ओपिनियन लीडर्स हैं, हमें लोग करोड़ों लोग सुनते हैं टेलीविजन पे बैठ के, तो हमें वो बात जरूर करनी चाहिए जिससे थोड़ी सी लर्निंग भी हो, थोड़ा लोगों को समझ में आए कि आप सिर्फ गैलरी के लिए खेलने के लिए एक छक्का मार के, एक आसिफ अली की अप्रोच है, एक बाबर आजम की, आई लव बाबर आजम बिकॉज वो मुझे पता है कि वो मैच विनर होगा, वो मैच जितवाएगा, वो बड़ी इनिंग्स खेलेगा, वो बीच में इनिंग्स बनाएगा, वो प्रेशर सस्टेन करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आप प्लेयर्स की बात करें, यू नो भट्टी साहब, थोड़े से कॉन्वर्सेशन को, बिकॉज वी अबाउट टू एंड दिस आवर, कौन से प्लेयर्स चैलेंजिंग होगा मिसबा के पास आना, लाइक कौन से उनके लिए शुरू के आपको मोटे मोटे नाम आ रहे हैं, जैसे यू नो दिस फखर जिनको थोड़ी ट्रबल है, इमाम, जो इन मिसबा के लिए चैलेंज होंगे प्लेयर्स, इनको ग्रूम करना या यू नो जस्ट टेकिंग देम टू द नेक्स्ट लेवल? मेरे ख्याल में मिसबा के लिए ज़्यादा चैलेंज है बजाय प्लेयर्स के लिए, ठीक है, कि मिसबा उन प्लेयर्स को टारगेट करें जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर पे नहीं है। देखिए ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, ठीक है, कि इन्होंने एक एक प्लेयर ने 50-50 मैचेस खेल लिए, अब नए टैलेंट को कहाँ से ये तलाश करते हैं, क्या टैलेंटेड प्लेयर्स जो पाकिस्तान में पास्ट में इग्नोर होते रहे उनको लेकर आते हैं? प्रोफेशनलिज्म की जब बात होती है तो प्रोफेशनलिज्म और ईमानदारी का यही तकाजा है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अनफॉर्चुनेटली पिछली सिलेक्शन कमेटी ने जितना लड़कों के साथ नाइंसाफियां की, जितना मेरिट का कत्लेआम किया, तो उम्मीद तो यही है कि वो रिवायात मिसबा ख़त्म करेंगे। देखें मैन मैनेजमेंट यही है कि आप सबको साथ लेके चलें, तो उम्मीद तो यही है कि भाई जो पास्ट में गलत हो गया ये लोग वो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, ये 25-30 लड़के जिनको मिकी आर्थर लेके चल रहे थे इन तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। कोई एक लड़का ये समझ ले कि जी मेरे बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं चलेगी, जिस तरह पास्ट में होता था, एक लड़के के पीछे चार चार लड़के लगे होते थे, वो डर रहे होते थे कि एक बार हम ड्रॉप हो गए दोबारा टीम में नहीं आएंगे। तो नई टीम को बिल्ड करना, पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाना और राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट जो है उसको लेकर आना, ये मेरे ख्याल मिसबा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।